सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फोन के बारे में। अगर आप लोग वीवो का फोन यूज कर रहे हैं, वीवो के फोन में आप लोग लाइव वॉलपेपर अप्लाई करके यूज करते होंगे, अपने आई थीम के अंदर से अगर आप लोग अप्लाई करने जाते हो तो आपको कुछ 2 से या 3 आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं ढेर सारे लाइव वॉलपेपर के बारे में, वो भी इंटरेस्टिंग आप लोग अपने वीवो के डिवाइस में यूज कर सकते हो। आपके पास चाहे कोई भी डिवाइस है वीवो का, उसमें आप लोग लाइव वॉलपेपर को अप्लाई करके एंड यूज कर सकते हो। और कैसा आप लोग को लाइव वॉलपेपर देखने को मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को समझ में आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। Welcome to my YouTube channel Technical। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं वीवो के फोन में आप लोग लाइव वॉलपेपर को कैसे अप्लाई करके यूज कर सकते हो, एंड यहां पर आपको रियल बताने वाला हूं एंड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों यहां पर अप्लाई करने के लिए आ चुके हैं हम यहां पर, और यहां पर जो लाइव वॉलपेपर हम पे क्लिक करते हैं तो यहां पर इस तरीके से लोडिंग ले रहा है। आप लोग देख सकते हो यहां पर जो लाइव वॉलपेपर है इस तरीके का है, यहां पर इस तरीके का देखने को मिल जाता है। और दूसरा हम दिखाते हैं तो आप लोग देख सकते हो लाइव वॉलपेपर, यहां पर हम क्लिक करते हैं और यहां पर लोडिंग ले रहा है, तो इस तरीके से लाइव वॉलपेपर इसके अंदर लोडिंग ले रहा है और इस तरीके का आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। जब आप इसे अप्लाई करोगे इस तरीके का मिलेगा। आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन को मूव करोगे आपका यहां पर ये लाइव वॉलपेपर बेटर देखने में लगेगा। उसके बाद दोस्तों और नीचे आते हो और नीचे आने के बाद आपको इसके अंदर ढेर सारे लाइव वॉलपेपर मिल जाएंगे। जो चीज आप लोग यूज करना चाहते हो आपके लिए बहुत सारे लाइव वॉलपेपर लेकर आ चुका हूं। यहीं पर देख सकते हो कि आप लोग को यहां पर ये वाला लाइव वॉलपेपर मैं दिखाता हूं। तो वॉलपेपर जो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का लाइव वॉलपेपर है और इस तरीके से हमारा स्क्रीन पे काम करता है। और उसके बाद दोस्तों यहीं पर मैं दिखाता हूं ढेर सारे लाइव वॉलपेपर, तो मैं यहां पर इसको क्लिक किया और ये भी हमारा लाइव वॉलपेपर है, देख सकते हो इस तरीके का लाइव वॉलपेपर। अब मैं इनमें से अप्लाई करने के लिए क्लिक करूंगा, यहां पर हमारा लाइव वॉलपेपर इस तरीके से डाउनलोड होगा। आप लोग देख सकते हो यहां पर डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से डाउनलोड होते ही और यहां पर हमारे पास अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड होम सेट होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे एंड यहां पर लाइव वॉलपेपर हमारा सक्सेसफुल सेट हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे अप्लाई कर लोगे आपके पास एक ऐड आ जाएगा, ऐड को आपको स्किप कर लेना है यहां से। और स्किप करने के बाद आप देख सकते हो आपके होम स्क्रीन पे आओगे और इस तरीके का लाइव वॉलपेपर आपके स्क्रीन पे देखने को लगेगा। तो इस तरीके का लाइव वॉलपेपर आप लोग यूज करना चाहते हो अगर अपने वीवो के डिवाइस में, तो आप लोग यूज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। और इसके अंदर आपको ये वाला लाइव वॉलपेपर मैं दिखाता हूं तो ये कैसा लगने वाला है और इंटरेस्टिंग देखने में लगेगा आप लोगों को। तो देख सकते हो लोडिंग ले रहा और इस तरीके का लाइव वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। अब मैं इसे अप्लाई करता हूं और इसे अप्लाई करने के बाद डाउनलोड होगा एंड उसके बाद हमारा अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। अप्लाई सेट नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे सक्सेसफुल अप्लाई हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे एंड वाल ऐड आएगा, ऐड को हमें स्किप कर लेना है यहां से। यहां से स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा, स्किप कर लेना है और यहां पर आपको चल के दिखाता हूं होम स्क्रीन पे। तो ये लाइव वॉलपेपर आप लोग देख सकते हो और यहां से भी आपको दिखा देता हूं इस तरीके का लाइव वॉलपेपर लग रहा है। तो देखने में कितना इंटरेस्टिंग है, एंड अगर आप लोग अपने वीवो के आई थीम के अंदर जाते हो तो आपको 2 से 3 मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको काफी सारा लाइव वॉलपेपर आप लोग को देखने को मिल जाता है। और इनमें से आप लोग कोई भी लाइव वॉलपेपर को अप्लाई करके यूज कर सकते हो और आपको यूज करना है तो यहां से यूज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहां पर लाइव वॉलपेपर जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर ढेर सारे आपको दिवाली का भी मिल जाएगा एंड आपको हैप्पी का मिल जाएगा। जो भी आपको लाइव वॉलपेपर पसंद आता है आप लोग अपने हिसाब से इसमें से अप्लाई करके अपने फोन में यूज कर सकते हो वीवो के डिवाइस में। मैंने यहां पर लाइव वॉलपेपर को अप्लाई करने के लिए फिर से क्लिक किया है और यहां पर ऐड आ चुका, ऐड को स्किप करते हैं तो ये लाइव वॉलपेपर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का है। तो अगर आप लोग को कोई भी लाइव वॉलपेपर अप्लाई करना है तो इनमें से अप्लाई कर सकते हो। और यहां पर नॉर्मल वॉलपेपर है एंड यहां पर आपको इस तरीके का वॉलपेपर है, तो आप लोग को जो भी वॉलपेपर बेटर लगता आप लोग अप्लाई करके यूज कर सकते हो। फाइनली अप्लाई करने के बारे में तो मैंने बता दिया और एप्लीकेशन से भी आप लोग को अप्लाई करने के बारे में बता दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो आप लोग अपने फोन में कैसे अप्लाई करोगे, तो इसके लिए दोस्तों ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज प्ले स्टोर से भी यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पिक चार्जिंग
सो जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो, इसके अंदर आप लोग न्यू चार्जिंग एनिमेशन भी अपने फोन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग चार्जिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो का आई बटन मिल जाएगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो वीडियो को। एंड यहां पर आप लोग को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सेस देना है। एक्सेस देने के बाद आप लोग लाइव वॉलपेपर अपने वीवो के डिवाइस में यूज कर सकते हो। लेकिन आप लोग को बताता हूं, अगर अपने आई थीम के अंदर जाते हो और आई थीम के अंदर आने के बाद यहां पर जाते हो और यहां पर आपको एक लाइव वॉलपेपर का सेक्शन मिल जाता है। वॉलपेपर पे क्लिक करोगे और यहां पर देख सकते हो, वॉलपेपर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको लाइव वॉलपेपर एक ही मिल जाता है, क्योंकि आजकल के डिवाइस में एक ही वॉलपेपर मिल जाता है तो हम एक ही वॉलपेपर अप्लाई करके बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोग के लिए यहां पर कुछ नए और इंटरेस्टिंग वॉलपेपर लेकर आया हूं, और इसमें वॉलपेपर आपको सभी प्रकार के वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो आप लोग अपने वीवो के डिवाइस में यूज कर सकते हो सभी प्रकार के वॉलपेपर को। एंड आपको जो पसंद आता है अपने हिसाब से आप लोग ट्राई करके यूज कर सकते हो। यहां पर मैंने इस वॉलपेपर को अप्लाई करने वाला हूं और देख सकते हो ये वाला वॉलपेपर और भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, तो मैं अपने फोन में यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं। डाउनलोड हो चुका है एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड सेट होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे एंड ऐड सक्सेसफुल हो चुका है एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड आ जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद आप लोग यहां से होम स्क्रीन से बैक भी कर सकते हो, जो कि आपको ऐड देखना नहीं है, और यहां से आप लोग वॉलपेपर को यूज कर सकते हो। तो आप लोग को हर प्रकार का वॉलपेपर इसके अंदर मिल जाता है दिवाली का, एंड आपको हर प्रकार का वॉलपेपर मिल जाता है। तो फाइनली आप लोग जाकर फटाफट अपने वीवो के डिवाइस में लाइव वॉलपेपर को चेंज करके यूज कर सकते हो। काहे कि आपको डिवाइस में देखोगे, आई थीम के अंदर देखो तो आपको एक ही लाइव वॉलपेपर मिलता है, लेकिन इस ऐप के अंदर आप लोग को ढेर सारे लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड करके एंड अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।